नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कैसे करना है, वो भी अपने मोबाइल पे। बिल्कुल 2 मिनट के अंदर जो है आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसके लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, आप अपने मोबाइल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कीजिए। देखिए, यहाँ पे इस तरीके का क्रोम ब्राउज़र दिखेगा, जहाँ पे एरो हम दिखा रहे हैं इसको आपको ओपन करना है। तो ये जो है, ये हम क्रोम ब्राउज़र अपने मोबाइल में ओपन कर दिए हैं। अब आपको सबसे पहले एक सेटिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सेटिंग क्या करना पड़ेगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हम डिस्प्ले पे आपको ऊपर ड्रैग कर रहे हैं, ये जो है आपको मोबाइल फॉर्मेट में चल रहा है, यानी कि जिस तरीके का मोबाइल पे स्क्रीन होता है उस तरीके का आपको यहाँ पे दिखा रहा है। हमको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, डेस्कटॉप मोड में जो है इसको हमको सेव करना पड़ेगा। अगर डेस्कटॉप मोड में हम यहाँ पे सेव कर देते हैं तो उससे होता क्या है, ये जो मोबाइल का स्क्रीन है सेम कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह आपको काम करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए करना क्या है, देखिए ऊपर पे 3 पॉइंट जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो है आपका डेस्कटॉप साइट पे, मतलब डेस्कटॉप की तरफ काम करना यहाँ पे शुरू कर देगा। अब हमको करना क्या है, देखिए सर्च बॉक्स का जो ऑप्शन है इस पर हमको यहाँ पे टाइप करना है ई फिलिंग। ठीक है, क्या टाइप करना है, ई फिलिंग। देखिए यहाँ पे हम टाइप करके आपको दिखा देते हैं, ई फिलिंग टाइप करके आप इसको सर्च कर दीजिए। तो जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का जो है पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं तो इसे होगा क्या, आपको देखने में जो है बनेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो हम एरो दिखा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स, यहाँ पे जहाँ पे टैक्स जो है डॉट डॉट है जिसके कारण दिख नहीं रहा, तो ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है ये होम पेज है, इस पर हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने जो है पेज ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए होम का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं जूम करके थोड़ा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए होम डाउनलोड और न्यूज एंड अपडेट्स का ऑप्शन है, तो आपको होम वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक कर देना है। तो होम वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा आपसे जो है टाइम लेता है और इस तरीके का ओपन होकर आ जाएगा। ये देखिए, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको आप कट करके हटा देना है, क्रॉस का आपको ऑप्शन है, यहाँ पर कट कर देना है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये जो है दिख नहीं रहा था, और इसको थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको करना क्या है। देखिए इस साइड में जाना है और इस साइड में जब आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे आप देखिए इंस्टेंट पैन थ्रो टैक्स कैलकुलेटर और उसके बाद लिंक आधार का आपको ऑप्शन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे, जहाँ पे हम एरो दिखा रहे हैं लिंक आधार, इस लिंक आधार वाले ऑप्शन पर जाके आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाता है। और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा हम जूम करके आपको बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखने में यहाँ पे बनेगा। देखिए ये जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा फर्स्ट वाले बॉक्स में, आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा आधार वाले बॉक्स में, और नेम एज पर आधार, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी कि नाम जो इसमें डालना है पैन कार्ड वाला नंबर नहीं डालिएगा, आधार कार्ड वाला नंबर आपको यहाँ डालना है। कभी कभी होता क्या है कि किसी का पैन कार्ड पे नंबर कुछ और होता है और आधार कार्ड पे नाम के साथ जो है सरनेम जुड़ा होता है, तो इसके कारण जो है थोड़ा सा ये होता है। इसलिए आपको यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि नाम वो डालना है जो आपके आधार कार्ड पर नाम हो। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम भी जो है अपना लिंक नहीं किए हैं पैन को आधार से, तो यहाँ पर लाइव आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है लिंक करना है। तो सबसे पहले पैन वाले में पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर लेटर जो है यहाँ पे कैपिटल होगा तो कैपिटल ही डालिएगा, स्मॉल मोट डालिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम डालते हैं, जो मेरा नंबर है वो नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जो मेरा पैन कार्ड पे नंबर है वो पैन कार्ड पे डाल दिए हैं। अब आधार नंबर वाले में जो है हम अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए पैन कार्ड आधार
कार्ड दोनों का नंबर हम यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हमको नाम डाल देना है, तो आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। इस पे आप ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग जो है आपका गलत यहाँ पे नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है, एक बार में ही जो है रॉन्ग नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर और जो नाम है वो हम डाल दिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, चौथे नंबर पे जो आप देख सकते हैं, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, ये क्या बता रहा है कि सबसे पहले इसको आप समझिए कि किसी किसी के आधार कार्ड पे आप देखते होंगे कि डेट ऑफ बर्थ जो है सिर्फ ईयर उसका डाला हुआ होता है, यानी कि डेट और मंथ वहाँ पे क्लियर नहीं होता है। जैसे 1980 है तो सिर्फ साल 1980 रहेगा, और कौन सा दिन है और किस डेट में है और मंथ कौन सा है वो नहीं रहता है। तो उस केस में अगर आपके आधार कार्ड पे सिर्फ ईयर होगा तो ये वाले बॉक्स पे आपको टिक मार्क करना है, क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड है उस पे डेट, मंथ और ईयर तीनों डाला हुआ है, तो हमको इस पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नीचे देखिए, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, ठीक है, इस ये वाले ऑप्शन पर जाके हमको टिक मार देना है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको और वर्क करना है, काफ़ी इजी प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कुछ लेटर आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो कि काफ़ी सिंपल लेटर है। ये वाला लेटर जो है आपको इस बॉक्स में आपको सेम टू सेम डालना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए लेटर आपको कन्फ्यूजन करता है, आपको समझ में नहीं आता है कि ये लेटर क्या है, तो बगल में देखिए रिफ्रेश का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लेटर क्या होगा, चेंज हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर आप काफ़ी टाइम करते हैं और नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए देखिए नीचे रिक्वेस्ट ओटीपी वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा और उससे कर देते हैं। तो हम यहाँ ओटीपी का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है इस लेटर से हम यहाँ पर वेरीफाई करा लेते हैं। तो देखिए जो भी यहाँ पर डाला हुआ है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। फिर उसी तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेटर अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही आपको डालना पड़ेगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए ये हम यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हमको करना क्या है, नीचे देखिए लिंक आधार का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस लिंक आधार वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक कर देना है। देखिए इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको पढ़ने में यहाँ पे बनेगा, ये योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UDI फॉर क्या है, वैलिडेशन ऑफ आधार, प्लीज़ चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार हाइपर लिंक इन द होम पेज, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि अगर आप आधार कार्ड का जो लिंक कर लिए हैं तो आपको हाइपर लिंक यानी होम पेज वाले ऑप्शन पे, जो होम का ऑप्शन है उस पे जाके आप चेक कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाते हैं कि होम पेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है। देखिए होम डाउनलोड्स और न्यूज एंड अपडेट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो होम वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आपका जो आधार और पैन है वो लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पे कार्टून बना हुआ है इसको आप कट करके हटा दीजिए, और यहाँ पे फिर आपको करना क्या है, देखिए थर्ड नंबर पे जो लिंक आधार वाले ऑप्शन पे आप क्लिक किए थे उसी पे फिर से आपको दोबारा क्लिक करना है। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट वाला देखिए क्लिक हेयर जो कि रेड कलर का आपको दिख रहा है, क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आप ऑलरेडी अपने पैन और आधार को लिंक कर दिए हैं तो आपको चेक करने के लिए क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, और जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे दो ऑप्शन जो डिमांड कर रहा है वो दो ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा, और वो दो ऑप्शन क्या है, पैन नंबर और आधार नंबर जो है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो देखिए पैन वाले ऑप्शन में हम पैन नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए पैन जो है मेरा, पैन कार्ड का नंबर हम यहाँ पे डाल दिए हैं, और आधार कार्ड वाले में आधार कार्ड का नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे पैन और आधार दोनों का नंबर हम डाल दिए हैं, और व्यू लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये क्या दिखाता है। देखिए इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं आपका आधार नंबर दिखा रहा है, इधर जो है बीच में एक्स एक्स दिया हुआ है, यानी कि उसको जो है ये
बंद किए हुआ है, पूरा शो नहीं कर रहा है। लास्ट वाला 1912 आप देख सकते हैं, तो आपका आधार नंबर यहाँ पे दिखाएगा। इस तरीके से जो है दोस्तों आपका पैन से आधार जो है 100% यहाँ पे लिंक जो है दोस्तों सबमिट आपका हो चुका है। और इस तरीके से देखें आप, काफ़ी छोटा सा प्रोसेस था, काफ़ी इजी प्रोसेस था, और इस तरीके से आप भी जो है अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।